हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे, जो कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो डिज़ायर VXI का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको VDI में भी मिलता है देखने को, और ZDI में भी यही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये डिज़ायर VXI गाड़ी है, तो इसी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसकी वॉइस क्वालिटी भी देखेंगे कैसी है फुल वॉल्यूम करके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इसमें आपको दो की रिमोट दी गई है, नहीं दोनों की आपको इसमें रिमोट मिलेगी। देखिए, आप इसे स्मार्ट की भी कह सकते हैं। MID में छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो आपको क्लॉक बताएगी, किलोमीटर बताएगी और फ्यूल बीच में शो करेगी। कुछ वार्निंग लाइटें दी गई है, ये मान फंक्शन की लाइट है, सीट बेल्ट की, बैटरी और ऑयल की। ये ग्रीन, ये आपको ब्लू दिख रहा है, अगर आपकी गाड़ी हीट होगी तो ये रेड हो जाएगा, यानी गर्म होगी अगर आपकी गाड़ी। तो बात करेंगे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया दिया गया है इसमें, देख रहे हैं आप। इसमें CD प्ले कर सकते हैं आप, FM AM प्ले करने का ऑप्शन दिया गया है। FM अभी चल रहा है, AM चलाने के लिए इसको प्रेस करेंगे तो AM शुरू हो जाएगा। तो इसमें FM AM चला सकते हैं, मीडिया प्लेयर में जा सकते हैं, और इसमें मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं आप। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB ऑक्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। देखिए, मोबाइल कनेक्ट करके अपने पसंद के गाने आप सुन सकते हैं इसमें। तो ये एक पावर बटन का काम करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करेगा ये। इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और पावर बटन का काम करेगा। एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये दो काम करता है। देखिए, और यहाँ से आप ऑटो सर्च कर सकते हैं, इस वाले बटन से ऑटो सर्च दिया है, प्रेस करेंगे तो आपके चैनल जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे सारे। देखिए, सेट हो चुके हैं चैनल सारे, और ये रैंडम का, रिपीट का और डिस्प्ले का बटन दिए गए हैं इसमें। और जो चैनल आप सेट करना चाहते हैं, 6 चैनल आप इसमें सेट कर सकते हैं FM के, तो ये बटन दिए गए हैं सेट करने के लिए। जैसे आपको 91.1 वन पे सेट करना है तो वन प्रेस करेंगे तो ये देखिए वन पे चैनल वन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वन पे सेट हो चुका है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ, वन करेंगे तो 91.1। तो वन प्रेस करा था तो हमने 91.1 आ गया। तो ऐसे चार सारे चैनल आप सेट कर सकते हैं, 6 के 6 चैनल अपने मनपसंद सेट कर सकते हैं इसमें। और ये ट्यून का दिया गया है, साउंड की ट्यूनिंग कर सकते हैं यहाँ से आप। प्रेस करेंगे जज मोड, रॉक मोड, तो यहाँ से ट्यूनिंग कर सकते हैं, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की ट्यूनिंग कर सकते हैं आप। टेबल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से ट्यून करने का ऑप्शन दिया गया है। साउंड की ट्यूनिंग कर सकते हैं आप। ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, और यहाँ से आप चैनल चेंज कर सकते हैं। देखिए, और चलिए अब इसकी वॉइस क्वालिटी देख लेते हैं। मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ।
के तेरे बाजू कोई भी नहीं, तेरे बाजू कोई भी नहीं, के तेरे बाजू कोई। तो मैंने इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की फुल वॉल्यूम कर दी थी, तो आपने वॉइस क्वालिटी इसकी सुनी ली होगी कैसी वॉइस क्वालिटी है। इसमें 4 स्पीकर दिए गए हैं, फ्रंट के डोरों में 2 स्पीकर दिए गए हैं फ्रंट के डोरों में, और 2 स्पीकर रियर के डोरों में दिए गए हैं। तो यही था इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में, इसकी वॉइस क्वालिटी भी आपने सुनी ली होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।